हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MHK एजुकेशन एंड गाइडेंस। तो दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ और आज हम लोग बात करेंगे BEd की न्यूज़ के बारे में, थोड़ा सा BEd की जो काउंसलिंग डेट है उसके बारे में। तो दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग की जो क्वेरीज आती हैं वो मैं जो बता चुका होता हूँ उसी के बारे में क्वेरीज आती हैं। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तो आप लोग की जितनी भी क्वेरीज हैं सब दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में सब कुछ डिस्कशन किया है कि काउंसलिंग कैसे होगी और फ़ीस कितनी जमा होगी, फ़ीस कैसे जमा होगी, काउंसलिंग की डेट क्या होगी, प्रोसीजर क्या होगा, तो मैंने सब यहाँ पे डिस्कशन किया है। तो दोस्तों, और एकदम जेन्युइन तरीके से मैंने बताया है, कोई भी मैंने बात अपनी तरफ से नहीं लिखी है, जो ऑफिशियल नोटिस है उसके अकॉर्डिंग मैंने सब बात की है यहाँ पर। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं BEd काउंसलिंग के बारे में बात। तो यहाँ पे देखिए, आप लोग देख पा रहे हैं कि यूपी BEd जो काउंसलिंग है वो 2020 की, दोस्तों उसकी काउंसलिंग जो रजिस्ट्रेशन डेट होती है काउंसलिंग की वो कब से स्टार्ट होगी। तो दोस्तों, अभी तक जो है जो ऑफिशियल वेबसाइट पे ऐसी कोई नोटिस आई नहीं है अभी कि जो उन्होंने काउंसलिंग जो रजिस्ट्रेशन की डेट है वो अभी उन्होंने कुछ भी अनाउंस नहीं की है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये एक से दो दिन के अंदर ही अंदर ये अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे अनाउंस कर देंगे, क्योंकि उनको एक लिस्ट देना होती है ना कि जो PDF अनाउंस करेंगे उसमें वो मेरिट के बेस पर सारे नाम होंगे बच्चों के जो मतलब काउंसलिंग करा सकते हैं, और जो बच्चों का मेरिट लिस्ट में नाम होगा जो एलिजिबल होंगे, यहाँ पर लिखा है कि एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग, और जो मेरिट लिस्ट के अंदर होंगे वही सिर्फ एलिजिबल हो पाएंगे इस जो है काउंसलिंग के लिए, यानी वही सिर्फ काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन भी वही करा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि अक्टूबर 2020, लेकिन उन्होंने क्लियर नहीं किया था कि कब से ये जो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन डेट है कब से शुरू होगी, इन्होंने नहीं बताया है। तो दोस्तों, ये आप लोग जो है एकदम भी फिक्र ना करिए, क्योंकि एक से दो दिन में इनको करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सब अगर ये नहीं बताते हैं तो फिर जो है बच्चों की बाकी जो प्रोसीजर है ना और डिले हो जाएगा, और ऐसा होगा नहीं, क्योंकि उन्होंने फिक्स डेट बता दी 19 अक्टूबर, तो इसलिए इन्हें 102 दिन में अनाउंस करना ही पड़ेगा PDF। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि तो इसलिए जो रजिस्ट्रेशन डेट की, अगर काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन डेट की बात की जाए तो वो मतलब कहते हैं कि ना कि 19 अक्टूबर से अगर स्टार्ट है काउंसलिंग, तो बस वहीं से ही स्टेप जो सारे होंगे शुरू होंगे। काउंसलिंग जो रजिस्ट्रेशन होगी ना उसका भी जो है जो डेट है वो उसी के बाद से शुरू होगी 19 अक्टूबर से। तो जो अगर बुलाया जाएगा काउंसलिंग के लिए, जो देखिए काउंसलिंग का मतलब होता है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया है, और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपने ओरिजिनल मार्कशीट्स वगैरह रखनी होगी, ठीक है। तो और काउंसलिंग के जो राउंड हैं इन्होंने 3 रखे हैं। फर्स्ट जो काउंसलिंग है पूल काउंसलिंग है, फर्स्ट काउंसलिंग होगी फर्स्ट राउंड, और जो सेकेंड राउंड होगी वो पूल काउंसलिंग, और जो थर्ड राउंड काउंसलिंग होगी वो डायरेक्ट एडमिशन होगी। तो यहाँ पे चलिए बात करते हैं हम लोग फर्स्ट काउंसलिंग के बारे में। दोस्तों, फर्स्ट काउंसलिंग में ऐसा होता है ना कि जितने भी मेरिट लिस्ट में जो अच्छी रैंक के बंदे हैं तो उनका पहले हो जाएगा फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में, और जैसे जो पूल काउंसलिंग होती है वो फर्स्ट राउंड के बाद होती है, और जो लास्ट होती है वो डायरेक्ट एडमिशन, यानी जिनको फर्स्ट और पूल काउंसलिंग में जगह नहीं मिल पाई है और वो वेटिंग लिस्ट में है तो वो डायरेक्ट एडमिशन के लिए जा सकते हैं काउंसलिंग कराने, और वो अपनी चॉइस के अलावा जहाँ पे और कॉलेजेस हैं जहाँ पे सीट्स बाकी हैं वहाँ उसमें अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सीट्स ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि काउंसलिंग में रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होंगी। तो रिक्वायरमेंट्स फॉर पार्टिसिपेशन इन काउंसलिंग, यहाँ पे बात करते हैं तो फॉलोइंग वुड बी रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग, यानी क्योंकि आप जानते हैं कि जो काउंसलिंग होने वाली है वो ऑनलाइन होने वाली है, तो इसलिए जो आपका रजिस्ट्रेशन जब काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन होगा तो उसमें आप लोग से बैंक अकाउंट डिटेल्स मांगी जाएगी, क्योंकि दिस शुड बी इन द नेम ऑफ द कैंडिडेट और फादर और मदर। और जो बैंक अकाउंट डिटेल्स मांगी जाएंगी दोस्तों, वो आप एकदम अपने या तो अपने किसी फैमिली मेम्बर का या आपका खुद का है जो एकदम एक्टिव अकाउंट है, जो डॉर्मेंट वगैरह ना हुआ हो, जो एकदम चल रहा हो, जिसका ATM वगैरह सब आपके पास प्रॉपरली हो मौजूद, तो उसी का बैंक अकाउंट डिटेल्स दीजिएगा, क्योंकि या किसी अपने फैमिली मेम्बर का दिएगा या कोई आपका आप और ट्रस्टेड बंदा है तो उसी का दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो बैंक की अकाउंट डिटेल्स देंगे उसी में आपका पैसा रिफंड होगा, इन केस अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं हो पाता है या सीट आपने ऑप्ट की है अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग वो आपको नहीं मिल पाती है तो आपको जो है वो जो फीस है ना वो रिफंड हो जाएगी। और फीस जो रिफंड होगी वो कितनी होगी, जो कॉलेज फ़ी होगी यानी जिसके लिए आप अलॉटमेंट के लिए, यानी जिसकी फ़ीस जो होती है 5,000, वो कॉलेज एक्सेप्टेंस फ़ीस होती है, तो वो आपको 5,000 रुपये देनी होगी, और 750 जो होगी वो आपकी काउंसलिंग की जो फ़ीस होगी वो होगी। तो काउंसलिंग की जो फ़ीस 750 रुपये होगी दोस्तों, वो
जो 750 रुपये आपकी फ़ीस होगी वो आपकी नॉन रिफंडेबल है, यानी वो आपकी वापस नहीं होगी, और जो बाकी 5000 रुपये हैं वो आपका रिफ़ंड हो जाएगा। और ये रिफ़ंड होने के लिए तो आपका बैंक अकाउंट जो डिटेल है ना वो किसी जेन्युइन बंदे का होना चाहिए या तो आपके किसी फैमिली मेम्बर का हो, तो बहुत ही अच्छा है, तो वही बैंक अकाउंट में वापसी हो जाएगी। तो और ये ड्राफ्ट के थ्रू नहीं होगा, और ये ऑनलाइन नेट बैंकिंग के थ्रू ही जो होगी फ़ीस जमा होगी। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि जो काउंसलिंग की फ़ीस रहेगी वो कितनी रहेगी। जो काउंसलिंग की फ़ीस है वो आपकी 750 रुपये है, और जो आपकी कॉलेज एक्सेप्टेंस फ़ीस है वो 5000 रुपये है, और जो 5000 है वो आपकी रिफंडेबल है, और जो 750 है वो नॉन रिफंडेबल है। तो इसलिए आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स देना ही पड़ेंगी इसमें, और नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप इसमें जमा कर सकते हैं, ड्राफ्ट का कोई काम नहीं है इसमें, तो आप ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं पेमेंट। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे, देखते हैं कि इसमें जो मांगा है इन्फॉर्मेशन वो अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक का नेम और ब्रांच नेम मांगेगा, ठीक है, आपसे भरने के लिए जब आप लोग ऑनलाइन भरेंगे डिटेल्स अपनी। और कह रहे हैं कि फॉर कैंडिडेट्स अपेयरिंग इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन 2020 और फॉर दिस दे वुड रिक्वायर स्कैन कॉपी ऑफ मार्कशीट। और देखिए क्या क्या चाहिए होगा, जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन यानी 2020 कर चुके हैं जेईई बीएड का, उसमें उनके लिए जो कैंडिडेट्स हैं उनकी स्कैन कॉपी ऑफ मार्कशीट चाहिए होगी, ठीक, स्कैन कॉपी ऑफ मार्कशीट्स, और ओनली ओरिजिनल मार्कशीट विल बी एक्सेप्टेड। तो यानी ओरिजिनल मार्कशीट ही सिर्फ एक्सेप्ट होंगी, और ये मत सोचिए कि आप लोग की प्रोविजनल लगा देंगे या कोई इंटरनेट का प्रिंटआउट लगा देंगे निकाल के, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों याद रखिए कि ओरिजिनल ही मार्कशीट्स जो लगेंगी वही आपकी मान्य होंगी, वही वैलिड होंगी आपकी, ठीक। बढ़ते हैं आगे, यूपी बीएड काउंसलिंग का प्रोसीजर देख लेते हैं। जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग होगा उसी में रजिस्ट्रेशन दोस्तों शुरू होगा, यानी स्टेप वन जो होगा वो रजिस्ट्रेशन का होगा। द काउंसलिंग वुड बी डिवाइडेड इनटू थ्री फेज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट रैंक, यानी जो काउंसलिंग होगी वो दो फेज इन मतलब कई फेजेस में डिवाइड होगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट रैंक, यानी स्टेट रैंक के लिए पहले ही जो काउंसलिंग होगी वो स्टेट रैंक के लिए होगी, ठीक है। ओनली कैंडिडेट्स फॉलिंग विद इन द अनाउंस्ड स्टेट रैंक रेंज वुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन द पर्टिकुलर फेज, यानी जो स्टेट रैंक के स्टेट रैंक पहले कंसिडर की जाएगी और स्टेट रैंक के अकॉर्डिंग ही जो काउंसलिंग होगी उन बच्चों को बुलाया जाएगा जो स्टेट रैंक में आ रहे होंगे, ठीक है, फॉल कर रहे होंगे, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि द कैंडिडेट्स हैव टू लॉग इन, और जो ये कैसे होगी, जो कैंडिडेट हैं वो अपनी जब उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा तो उनको उन्होंने अपनी डिटेल्स भरी होंगी तो उनको एक लॉगिन आईडी मिली होगी और पासवर्ड मिला होगा, तो उसको ही लॉगिन आईडी और पासवर्ड का ही यूज़ करके आपको लॉगिन करना है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप भूल गए तो रीजनरेट भी किया जा सकता है, अगर आपने मेल आईडी वगैरह भरी है, ठीक है, या आपने मोबाइल नंबर भरा है तो उसके थ्रू क्या हो सकता है, रीजनरेट भी हो सकता है अगर आप भूल गए हैं पासवर्ड आईडी, ठीक। और उसके बाद जैसे आप लॉगिन कर लेंगे उसके बाद आपको अपनी जो बैंक अकाउंट डिटेल्स हैं वो फिल करनी होंगी स्टेप वन में। और कैंडिडेट्स अपेयरिंग द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन 2020 एंड हूज रिजल्ट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड हैव टू एंटर द मार्क्स एंड अपलोड द स्कैन कॉपी ऑफ देयर मार्कशीट। दोस्तों ये बात मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, और मैंने यहाँ पे बताया जो स्टेप टू होगा वो काउंसलिंग फी एंड एडवांस कॉलेज फी पेमेंट होगी, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लिया 5750 रुपये हैं, 5750 रुपये हैं टोटल, तो मैंने आपको बता दिया 750 जो है काउंसलिंग फी और जो 5000 है वो एडवांस कॉलेज फी जमा होगी थ्रू ऑनलाइन मोड्स यानी नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड से, ठीक। कह रहे कि इन केस द कैंडिडेट नॉट अलॉटेड अ सीट एडवांस कॉलेज फीस, हमने बताया था कि 5000 जो आपकी रिफंड हो जाएगी, तो हमने 5000 जो बताया था वो रिफंडेबल है और जो 750 रुपये फीस है वो नॉन रिफंडेबल है, ठीक। और जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं यानी जो स्टेप वन में रजिस्ट्रेशन कराएंगे सिर्फ वही अपनी कॉलेज की चॉइस भर सकते हैं दोस्तों, तो इसलिए आप जो है जल्दी से रजिस्ट्रेशन करा लें उसके बाद ताकि आप चॉइस फिलिंग भर पाएँ, ठीक। और ज़्यादा डिले नहीं करना है क्योंकि 19 अक्टूबर से लेकर 8 नवंबर तक जो ये काउंसलिंग का प्रोसेस चलेगा, ठीक है। तो बिफोर चॉइस फिलिंग द कैंडिडेट्स हैव टू वेरीफाई द फॉलोइंग, और चॉइस भरने से पहले दोस्तों आपको क्या वेरीफाई करना है ये भी देख लीजिए यहाँ पे, ठीक। तो ये कह रहे हैं कि ऑप्शन फॉर संस्कृत, ठीक, तो हैव टू वेरीफाई द फॉलोइंग, ठीक। तो दोस्तों आप ये देख लीजिएगा कि ऑप्शन फॉर संस्कृत है, ऑप्शन संस्कृत के लिए भी है, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट दिस इज सेट एट नो, और इस पर डिफ़ॉल्ट जो ये है चॉइस वो आपकी नो सेट है। अगर आप ऑप्शन संस्कृत लेना चाहते हैं तो आप डिफ़ॉल्ट से हटा के उसको यस कर सकते हैं, ठीक है। और ये सिर्फ वही कर सकते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन अपना क्या किया है संस्कृत से किया है इन्होंने, या ठीक है जिनके थर्ड ईयर में संस्कृत थी, ठीक। उसके बाद अगर बात करें कैंडिडेट रजिस्टर्ड फॉर द काउंसलिंग हैव टू फिल द चॉइसेस अकॉर्डिंग टू द प्रेफरेंसेस, और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों यही है कि जो आप कॉलेज भरिएगा वो बहुत ध्यान से भरिएगा, उसको एकदम अच्छे से पता कर लीजिए कि कैसे क्या कौन सा कॉलेज अच्छा है, उस अकॉर्डिंग अपनी एक चॉइस अपने
पेजेस पर लिख कर और तभी बैठिएगा सामने और तभी भरिएगा, क्योंकि अगर आप चॉइस फिलिंग अगर गलत कर देते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, आप जो चाह रहे हैं कॉलेज वो नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए जो चॉइस फिलिंग है वो बहुत ही सोच समझ कर करिएगा दोस्तों, क्योंकि आप एक बार अगर चॉइस कर लेंगे तो आप ओके करने से पहले, लास्ट उसको ओके करने सबमिट करने से पहले ही आप उसको रिव्यू कर सकते हैं और चॉइस फिलिंग जो है वो चेंज कर सकते हैं। अगर आपने एक बार सबमिट कर दिया तो आप चॉइस फिलिंग नहीं चेंज कर पाएंगे। तो कैंडिडेट रजिस्टर फॉर द काउंसलिंग हैव टू फिल देयर चॉइस अकॉर्डिंग टू देयर प्रेफरेंसेस। और इसमें बोला है कैंडिडेट्स कैन गिव अस मैनी चॉइसेस दे वांट। और दोस्तों कोशिश ये करिएगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चॉइसेस दे पाइए ताकि रिजेक्शन ना हो पाए, जो आपका काउंसलिंग में है वो रिजेक्शन ना हो पाए, आपको कोई ना कोई सीट अलॉट हो जाए किसी ना किसी कॉलेज में, ठीक है। तो लोअर रैंक कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू गिव मोर चॉइसेस टू अवॉइड रिजेक्शन इन अलॉटमेंट। मैंने बता दिया चॉइसेस कैन बी प्रीव्यूड एंड रीअरेंज एनी नंबर ऑफ टाइम्स टिल फाइनल सबमिशन। मैंने आपको बता दिया फाइनल सबमिशन से पहले क्या होगा कि आप जितने बार भी अगर चाहें तो वो चॉइसेस अपनी रीअरेंज कर सकते हैं, कि मैंने अगर मान लो कोई थर्ड चॉइस पे अगर मैंने लगाया कोई कॉलेज तो मुझे बाद में अगर ठीक लगा तो मैं उसके फर्स्ट चॉइस पे कर सकता हूँ, तो ये कर सकते हैं दोस्तों। चॉइसेस कैन बी फिल्ड इन मल्टीपल सेशन, तो ठीक है ये सब मैंने बता दिया। और अगर जैसे आप नहीं ओके करते, सेव नहीं करते, तो डाटा जितना आपने भी उसमें टाइप किया है, जो चॉइसेस सेलेक्ट की हैं, तो वो क्या हो जाएंगी, लॉस्ट हो जाएंगी, ठीक। तो इसका ध्यान बिल्कुल रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग चॉइसेस फिल्ड बाय द कैंडिडेट आर फाइनल एंड कैन नॉट बी चेंज वंस लॉक्ड। एक बार लॉक कर दिया, फाइनल सबमिशन कर दिया, तो ये चॉइसेस हैं जो ये बिल्कुल भी चेंज नहीं हो सकती हैं। दस इन देयर ओन इंटरेस्ट कैंडिडेट मस्ट फिल इन सफिशेंटली लार्ज नंबर ऑफ चॉइसेस। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लार्ज नंबर ऑफ चॉइसेस भरिएगा ताकि जो ऑर्डर है प्रेफरेंस का वो सही से लगा सकें आप लोग, और आप लोग का रिजेक्शन ना हो, आप लोग को कोई ना कोई कॉलेज मिल जाए, ठीक है। कॉलेज, और उसके बाद स्टेप फोर जो आपका होगा वो कॉलेज अलॉटमेंट होगा, यानी उसके बाद कॉलेज अलॉट होंगे विल बी डन स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट रैंक। और ये जो कॉलेज आप लोग को अलॉट होंगे ये स्टेट रैंक के बेसिस पर ही होंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन जेई, जिस हिसाब से आपके मार्क्स होंगे, जिस हिसाब से मेरिट होगी, उस हिसाब से आपको कॉलेज अलॉट होंगे स्टेट रैंक वाइज, ठीक। और जैसे आपने सेलेक्ट किया है ऑर्डर में, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही होंगे, ठीक है। जैसे आपने फर्स्ट चॉइस कोई किसी कॉलेज की दी, उसमें सीट फिल हो गई, ठीक है, तो आप जो है फिर एलिजिबल हो जाएंगे जो आपने सेकेंड चॉइस प्रीफर की है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है बिल्कुल ध्यान से भरिएगा, ठीक। उसके बाद जो है स्टेट रिजर्वेशन की बात करेंगे, स्टेट रिजर्वेशन पॉलिसी टू अलॉट ऑन एडेड गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है। उसके बाद सीट अलॉटमेंट रिजल्ट विल बी अवेलेबल ऑन कैंडिडेट लॉगिन ओनली, और सीट अलॉटमेंट जो होगा वो आप सिर्फ लॉगिन करके ही कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अब हम आगे, ठीक है। कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड कॉलेज विल हैव टू डाउनलोड प्रोविजनल अलॉटमेंट कम कंफर्मेशन लेटर थ्रू द जेई बीएड वेबसाइट। और दोस्तों एक बार आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो आप ये प्रोविजनल जो अलॉटमेंट कंफर्मेशन लेटर है ये आप सिर्फ अपनी जेई की जो बीएड की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से जाकर आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। दोस्तों बढ़ते हैं, यहाँ पर कैंडिडेट हैज़ टू रिपोर्ट द अलॉटेड कॉलेज इन 7 डेज, और जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उसमें आपको 7 दिन के अंदर ही अंदर वहाँ पर रिपोर्ट करना होगा, ठीक है दोस्तों। और अगर आप 7 दिन से ज़्यादा लगाते हैं तो आपके लिए परेशानी का ये जो है परेशानी का सबब बन सकता है, तो इसलिए आप लोग बिल्कुल 7 डेज़ के अंदर ही अंदर वहाँ पर जहाँ पर जो कॉलेज अलॉट हुआ है वहाँ पर जा सकते हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ, ठीक। और कन्फर्मेशन लेटर भी ले जाना है जो आपने वहाँ से डाउनलोड किया होगा ऑफिशियल वेबसाइट से, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं डायरेक्ट एडमिशन की, दोस्तों बहुत से लोगों का सवाल ये रहता है कि क्या डायरेक्ट एडमिशन भी मैं ले सकता हूं। तो दिस राउंड ऑफ काउंसलिंग इज डन एट द कॉलेज लेवल, जो डायरेक्ट एडमिशन है वो कॉलेज लेवल पर ही होगा, और जो है वैलिड स्टेट रैंक पजेस करेंगे वही सिर्फ डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अदर कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन द जेई बी आर एंड आर एनरोल्ड इन द वेट लिस्टेड पूल, तो हमने आपको बताया कि जो भी लिस्टेड पूल है, जो पूल लिस्ट होगी उसमें, यानी पूल काउंसलिंग जो होगी उसमें अगर वेटिंग आता है और उनको एडमिशन नहीं मिलता है किसी कॉलेज में, तो वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं किसी कॉलेज के लिए ऑफ देयर ओन चॉइस विद सीट्स आर वैकेंट, जहाँ पे भी सीट्स खाली हैं वो वहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। कैंडिडेट कैन बी एडमिटेड टू द एनी कॉलेज ऑफ एनी सीट्स इफ आर वैकेंट इन द कॉलेज आफ्टर द फर्स्ट पूल एंड काउंसलिंग, ठीक है। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग और जो सेकंड राउंड यानी पूल काउंसलिंग के बाद जो भी कॉलेज में अगर सीट्स बची होती हैं तो उनको जो है डायरेक्ट एडमिशन जो कैंडिडेट्स हैं वो ले सकते हैं वहाँ पे, ठीक। और द फॉलोइंग कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर डायरेक्ट एडमिशन, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन जो थी मैंने आपके साथ शेयर कर ली है, तो दोस्तों अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों, और लाइक करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के साथ फिर से लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के दोस्तों थैंक्स अ लॉट, बाय।